मंच पर उपस्थित स्वामी जी, विद्वतगण एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटांकोट प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। पहले तो मैं आपको एक दृष्टांत से समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से वाणी की चौपाई के अंदर कहा गया है। एक दृष्टांत दिया जाता है पतंगे का, कि किस प्रकार से पतंगा अपने सुहाग के लिए स्वयं को समर्पित कर देता है, क्योंकि पतंगे को क्या प्रिय होता है? अंधकार। और उसी अंधकार के लिए वो खुद को अपने पर जला देता है और खुद को जला देता है। इसीलिए उसके अपने सुहाग के प्रति जो समर्पण है, उसके प्रति जो समर्पण है, उसी भावना का भावना हमारे अंदर लाने के लिए वाणी के अंदर एक चौपाई है कि पतंग कहे पतंग को, कहाँ रहया तू सोए, मैं देखा है दीपक चल देखाऊं तो है। कि अगर कोई पतंग हमारे एक दूसरे पतंग के समक्ष जाकर उसको ये सूचना दे कि मैंने एक दीपक देखा है, चल मैं भी तुझे दिखाता हूँ, तो ये आगे की कहते हैं कि या तो वो दीपक नहीं है या तो वो पतंग नहीं है। क्योंकि पतंग उसी को कहते हैं जो एक उजाले को देख के अपने आप को उस पर समर्पित कर दे, क्योंकि उसके अंदर अपना जो सुहाग है, अपन सुहाग के प्रति इतना समर्पण है, इतना प्रेम है, इतना विश्वास है कि उसको अपने जान की भी परवाह नहीं है। बस वो यही सोचता है कि या तो मैं खुद मर जाऊं या मैं उस दीपक को बुझा दूं। तो आज के समय में हमें इस चौपाई की आवश्यकता क्यों है? आज हम देखें तो सुंदर साथ जी, हम जहां भी जाते हैं तो हमारी ये दृष्टि में आता है, हम देखते हैं कि हम जाके वाणी का पठन करते हैं और एक एक घंटे में कई सौ चौपाइयाँ पढ़ जाते हैं, लेकिन इसका क्या अर्थ है? और आज हमारे अंदर उस पतंगे के तरह अपने सुहाग, अपने प्रियतम के प्रति वो प्रेम, वो समर्पण, वो हमारे हृदय में है? हम अगर देखने जाए तो क्या हमारे हृदय में वो प्रेम या वो समर्पण की भावना है जो उस पतंगे के अंदर, जो एक साधारण सा जीव है, उसके अंदर है? और आज हमें खुद यह विचार करना है कि जो भाव उस पतंगे के अंदर है अपने सुहाग के लिए, अपने प्रियतम के लिए, वो भाव आज हमारे अंदर क्यों नहीं है? उस पतंगे की तरह और इस मानव तन के अंदर भी कई शरीर ऐसे हैं, कई जीव ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रियतम के लिए स्वयं को समर्पित किया है, अपने प्रेमी के लिए स्वयं को समर्पित किया है। क्योंकि वाणी में चौपाई है, आगू आसिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर मासुक पर वार डारे अपना तन। अब जो हमें यह विचार करना है कि एक माया का जीव अपने प्रियतम के लिए, जैसे कि शशि पुन्नू है, हीर रांझा है, वाणी में चौपाई है कि किस प्रकार से शशि अपने प्रियतम के लिए यह कहती है कि अगर कोई मुझे अपने प्रियतम का पता बता दे तो मैं उसके ऊपर 100 बार अपने शरीर के जो शीश है, अपने शीश को टुकड़े करने के लिए तैयार हूँ। अब यह तो हमें ही सोचना है कि एक माया का जीव, एक शरीर अपने प्रियतम के लिए यह कह रहा है कि मैं अपने शीश के 100 बार टुकड़े करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या हमें तो कोई शीश टुकड़े करने के लिए नहीं कह रहा है? हमें बस इतना कहा जा रहा है कि हम प्रियतम के लिए वो समर्पण लाए जो शीश के सौ टुकड़े करने के समान हो। और वो कौन सा समर्पण है? वो समर्पण है अपने अवगुणों का,
उन अवगुणों का हमें समर्पण करना है, स्वयं को समर्पित करना है। जिस प्रकार से महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी के ऊपर स्वयं को समर्पित किया था, उस समय राजपूतों में यह रिवाज हुआ करते थे कि वो किसी के सामने बुंदेलों में कि वो किसी के सामने अपनी पाग नहीं उतारते थे अपने परिवार जनों के सिवाय। ऐसे कड़े नियमों के विरुद्ध जाकर भी उन्होंने श्री जी को पाग उतार के ही नहीं, उस पाग का पावड़ा बिछाकर उनकी सेवा की। जब इतना समर्पण वो छत्रसाल जी ने हमें उदाहरण के लिए करके दिखाया है, और उन छत्रसाल जी की, महाराजा छत्रसाल जी की राह पे हमें चलने के लिए कहा गया है, और उसी समर्पण को, आज उसी समर्पण को हमें अपने हृदय में लाना है। अपने अहंकार का समर्पण, अपने अवगुणों का समर्पण, मान सम्मान का समर्पण, क्योंकि वाणी में कहा है कि लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान की पदवी पाई, और कहा गया है कि इसी प्रकार से कि अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी है भाई, कि यह जो मान अहं मान सम्मान ये जो है यही हमारे लिए बहुत बड़ा एक खड्डा है, और इसी को हमें इसको समाप्त, यह समाप्त कैसे होगा? अपने प्रियतम के प्रति समर्पण से ही यह समाप्त हो सकता है। और समर्पण कब आएगा? जब हमें अपने प्रियतम पर अटूट विश्वास होगा। हमारे अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रियतम हर पल मेरे साथ है और वो कभी मुझसे अलग नहीं हो सकता। इसी को वाणी की चौपाई में कहा है, हक नजीक सहरग से आड़े पटना द्वार, अर्थात कि हमारा प्रियतम पल पल हमेशा हमारे साथ है, और हमें अब इसी बात को समझने का प्रयास करना है कि जो समर्पण एक पतंगा कर सकता है, वो एक मानव का तन जिसके अंदर ब्रह्म सृष्टि बैठी हुई है, जो एक ब्रह्म सृष्टि होने का दावा करता है और जिसने वाणी का मंथन किया है, वह समर्पण क्यों नहीं कर सकता? तो सुंदर साथ जी, आज के कहने का बस मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे अंदर वो समर्पण आए जो एक पतंगा करता है, जो महाराजा छत्रसाल जी ने किया था, और जो शशि पुन्नु, हीर रांझा, इन प्रेमियों ने अपने प्रेमास्पद के लिए किया था, वही हमारे अंदर भी होना चाहिए, तभी हमारी आत्म जागृति हो सकती है।